Hello students, today our topic is multiple pregnancy. तो multiple pregnancy क्या होती है? जब uterus में एक ही time में एक से ज़्यादा fetus एक साथ development होना multiple pregnancy कहलाता है. मतलब एक time में एक pregnancy में एक से ज़्यादा fetus uterus में development होना fetuses का तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है. ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं. डेफिनेशन होगी, इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. इसके क्लासिफिकेशन में एक प्राइम प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि टू फीटस होते हैं यूट्रस में. ठीक है, एक ट्रिपल प्रेगनेंसी होती है जिसमें थ्री फीटस होते हैं, और क्वाड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी होती है जिसमें फोर फीटस होते हैं, फोर फीटस का डेवलपमेंट होता है, और क्वाड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि फाइव फीटस का डेवलपमेंट होता है, और सिक्सटुप्लेट प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर सिक्स फीटस का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, अब मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्राइन प्रेगनेंसी जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है. तो ट्राइन प्रेगनेंसी के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है, टू टाइप की होती है ट्राइन प्रेगनेंसी. पहली होती है टाइप जाइगोटिक या फिर फेटरनल या बाई नोलार प्रेगनेंसी. ठीक है, बाई नोलार. एंड सेकेंड टाइप होता है मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल या फिर यूनिपोलर प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी की सॉरी फीटस ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है, इसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है? तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ये कॉमन टाइप, एक कॉमन टाइप होता है जिसके अंदर टू स्पर्म और टू ओवम फर्टिलाइज होते हैं. ठीक है, इसमें ओवम जो होते हैं वो या तो एक ओवरी से भी आ सकते हैं या फिर दोनों ओवरी से अलग अलग ओवम आ सकते हैं. मतलब इसमें दो ओवम होते हैं एंड दो स्पर्म होते हैं, दोनों अलग अलग फर्टिलाइज होने के बाद में जो बेबी है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है. ठीक है, और इस तरह के जो इसमें जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं इनके अंदर फेटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब कि एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बच्चों में. ठीक है, सेकेंड होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस. तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है कि इस टाइप में क्या होता है कि ओवम जो होता है वो एक होता है और एक ओवम और एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बाद में उनकी जो डिवाइडेशन है, उनकी जो ट्विनिंग है वो बाद में अलग हो जाती है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में उनकी ट्विनिंग हो जाती है, जो कि इम्प्लांटेशन और फीटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उनको इफेक्ट करती है. ठीक है, जो मतलब उनका डिवाइडेशन हुआ है वो इफेक्ट करेगी, उनका कहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है और फीटल मेम्ब्रेन जो बनती है उनमें भी कुछ डिफरेंस पैदा करती है वो. ठीक, तो उनके आधार पे मोनोजाइगोटिक्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि पहला डाई एम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक ट्विंस. तो डाई एम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक ट्विंस क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद में एट सेल की स्टेज होती है उसके अंदर डिवाइडेशन होता है. ठीक है, उनका सेपरेशन होता है. तो सेपरेशन के प्रोसेस के बाद में जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 72 हावर्स के अंदर या फिर 3 डेज के अंदर ये प्रोसेस होती है एट सेल स्टेज है उसकी डिवीजन होने की. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्लेसेंटा होती है, दो अलग फीटस होते हैं, दो अलग प्लेसेंटा होते हैं, दो अलग अलग उनकी मेम्ब्रेन्स भी उनकी अलग अलग होती है. ठीक है, तो दो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है और दो एम्नियोटिक मेम्ब्रेन उसमें होती है. ठीक है, तो उनको बोलते हैं डाई एम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक. इसमें क्या होता है कि हमारे में एक यूट्रस है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग फीटस के
होता ही अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमने मीटर्स बना दिया। ठीक है, तो मीटर्स के अंदर दो फीटर्स होते हैं। ठीक है, दो कोऑर्डिनेटिंग मेम्ब्रेन होती है, दो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, सॉरी, दो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होगी अलग अलग, दोनों की एमनियोटिक मेम्ब्रेन अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों की प्लेसेंटा भी अलग अलग होगी। ठीक है, सेकेंड होता है डाई एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक ट्विंस। इसमें क्या होता है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डिवाइडेशन होता है, वो इनर सेल मास का जो डिवाइडेशन होता है आपका फर्टिलाइजेशन, 4 to 8 days के बाद में होता है। फर्टिलाइजेशन के 4 to 8 days के बाद में डिवाइडेशन होता है इनर सेल मास का। तो उसमें क्या होती है कि इनकी जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो दो होती है। ठीक है, और कोरियोनिक मेम्ब्रेन एक होती है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन इसमें दो होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा डाई एमनियोटिक मतलब दो एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड मोनोकोरियोनिक मतलब एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें ऐसे होता है। ठीक है, और प्लेसेंटा एक ही होती है। इसके अंदर इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा एक हो सकती है या फिर अलग अलग भी प्लेसेंटा इसमें हो सकती है मिटोसिस की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये फीटस हो गया, तो इसमें क्या होता है जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो एक रहेगी और एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो दोनों फीटस की अलग अलग होगी। ठीक, तो ये स्टेज होती है डाई एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक ट्विंस। उसके बाद में थर्ड इसका टाइप है मोनो एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक ट्विंस। इसमें क्या होता है कि ये स्टेज कब आती है, जब फर्टिलाइजेशन के 8 to 12 week तक, अगर मतलब 8 days से लेकर 12 week तक अगर इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो उसमें जो सेपरेशन होता है सेल्स का वो 8 to 12 week के अंदर अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इसमें प्लेसेंटा इसमें एक होगी, ठीक है, फीटस दो होंगे, प्लेसेंटा इसमें एक होगी, एक ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी एंड एक ही कोरियोनिक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही और एक ही इनमें प्लेसेंटा होगी। ठीक है, ये यूट्रस हो गया, एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन, एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड एक प्लेसेंटा। ठीक है, ये होता है मोनो एमनियोटिक एंड मोनो कोरियोनिक ट्विंस। ठीक है, इसकी आपको इमेज अभी दिखाऊंगी, उसमें आप देखिए इमेज। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ जो टाइप है कंजॉइंट ट्विंस। तो कंजॉइंट ट्विंस में क्या होता है कि जो सेपरेशन होता है एम्ब्रियोनिक डिस्क का वो फर्टिलाइजेशन के 13 days के बाद में होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक डिस्क का सेपरेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन के 13 days के बाद में होता है। इसमें क्या होता है कि कंजॉइंट ट्विंस का मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी जल्दी इम्प्लांटेशन हो जाता है, जितनी जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उतना ही कम रिस्क रहता है। क्योंकि अगर ये जैसे फर्स्ट 72 hours के अंदर क्या हुआ था
कि उनकी अलग अलग मेम्ब्रेन्स थी, अलग अलग प्लेसेंटा थी, तो उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। जैसे जैसे लेट जो उनका अगर उनका जो सेल्स है, फर्टिलाइज सेल्स है, उनका जितना जितना लेट डिवाइडेशन होगा, जितने दिन लेट डिवाइडेशन उनका होता है, उतना ही लेट उनमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। मतलब अब सबसे ज़्यादा लेट 13 डे के बाद में अगर उनका डिवाइडेशन हो रहा है उन सेल्स का, जो फर्टिलाइज सेल्स हैं उनका, तो उसमें क्या हो जाता है कि फीटस है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कंजॉइंट ट्विन्स। ठीक है, तो उनको कंजॉइंट ट्विन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके दो दो फीटस होते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है। तो फ्यूजन अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि थोरैकोपैगस होता है जिसमें कि दोनों फीटस की थोरेक्स आपस में जुड़ी रहती है, या फिर पायोपैगस होता है जिसमें कि दोनों फीटस की बैक आपस में जुड़ी रहती है, और क्रेनियोपैगस होता है जिसमें दोनों फीटस के क्रेनियम हेड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंसिडेंस। तो इसका इंसिडेंस रेट होता है वो इंडिया में 18 प्रेगनेंसी पे एक प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी होती है इंडिया में, इसलिए इसका इंसिडेंस रेट है। अब इसका कॉज क्या क्या होते हैं इसके, तो कॉजेज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो यूनिओलर ट्विन्स हैं, जो यूनिओलर ट्विन्स हैं उनकी जो ट्विनिंग होती है, उनका डिवाइडेशन होता है, उसका एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है। ठीक है, बट बाइनोमियल ट्विन्स होते हैं उनके कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि रेस। कुछ रेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नेग्रोज। नेग्रोज में मल्टीपल या ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि जो मंगोल्स होते हैं उनमें ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हेरिडिटी, तो कुछ मैटरनल साइड से कुछ हेरिडिटी है, अगर उनके मैटरनल साइड से फैमिली में अगर ट्विन प्रेगनेंसी के जो हिस्ट्री है, तो हो सकता है कि उसकी जो ये हेरिडिटी है वो आगे की तरफ वो हो, आगे की जनरेशन में भी हो। ठीक है, एडवांसिंग एज, एडवांसिंग एज मतलब जो 30 to 35 ईयर्स के बाद में प्रेगनेंसी होती है उनमें ट्विंस के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद में फोर्थ है पैरिटी, तो जो मल्टीपल पैरिटी है, या फिर फिफ्थ ग्रेविडम मदर है उनमें ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड फिफ्थ है आइट्रोजेनिक, मतलब जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि गोनेडोट्रोफिन्स दिए जाते हैं, उनमें ट्विंस प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ओवुलेशन इंडक्शन ज़्यादा होता है, तो ओवम ज़्यादा रिलीज हो सकते हैं उनमें। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन मदर ड्यूरिंग ट्विन प्रेगनेंसी, तो मदर में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी में, तो मदर्स में कार्डियक आउटपुट और वेट गेन बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक नहीं है, अब दो फिटस हैं, तो उसमें उसका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा और वेट गेन भी बढ़ जाता है। और सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में जो मदर का प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी 500 ml एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी बढ़ जाता है मदर का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाई एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्विन्स, तो लाई प्रेजेंटेशन ऑफ जो फीटस है उनमें भी चेंजेस आते हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी में। तो 90% जो फीटस होते हैं उनमें लाई लॉन्जिट्यूडनल होती है। ठीक है, परंतु उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि दोनों फीटस में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, या फिर एक फीटस की वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी तो दूसरे की प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, दूसरे की अगर वर्टेक्स होगी तो पहले की ब्रीथ प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, और या फिर दोनों फीटस का ब्रीथ प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर दोनों फीटस का शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन दोनों फीटस का एक साथ में। ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक फीटस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हो और दूसरा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए जो
सबसे पहले इसका क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में हम साइन सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे पहले साइन सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होगा, वुमेन में इंक्रीज नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग इंक्रीज होगी क्योंकि उसमें क्रीम्स है तो उसका ज़्यादा एसिडिटी लेवल ज़्यादा होगा तो नोजिया वोमिटिंग ज़्यादा होगी और रीजनेसनेस और पालपिटेशन भी उसमें ज़्यादा होगा। एक्सेस मेटर्नल वेट गेन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। स्वेलिंग इन लेग्स और हेमरॉइड्स या वेरिकोज वेन, ठीक है, और एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। तो ये सब सिम्टम्स होंगे वुमेन में। साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे, एनीमिया होगा, जनरलाइज एनीमा हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हिस्ट्री, ये फर्स्ट हो गया डायग्नोसिस में क्लिनिकल फीचर्स। सेकंड डायग्नोसिस में क्या होगी, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि मेटरनल साइड से अगर मतलब जो ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो वो हेरिडिटरी होती है, तो मेटरनल साइड से अगर कोई किसी की ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे। और इनफर्टिलिटी के लिए अगर ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन उसने ली है तो उसकी हिस्ट्री, वो सब हम जो थेरेपी उसकी चली है गोनेडोट्रोपिन्स की उसके लिए हम उस पर पूछेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के बाद में थर्ड आता है ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। तो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, तो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, एनीमिया प्रेजेंट है कि नहीं है, तो एनी पेल दिखाई देगी पेशेंट, ठीक है, वीक दिखाई देगी, या फिर एबनॉर्मल वेट गेन तो नहीं हो रहा है, या फिर प्री एक्लेम्सिया की कोई सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पहले हम पाल्पेशन परकशन करेंगे एब्डोमेन का, ठीक है, नहीं सॉरी इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे जिसमें क्या होगा कि एब्डोमेन हमको लार्ज साइज में दिखाई देगा, बैरल शेप में दिखाई देगा एब्डोमेन, ठीक है। सेकंड हम करेंगे पाल्पेशन। तो सेकंड पाल्पेशन करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो जेस्टेशनल एज है उससे यूटरस की हाइट ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है, एब्डोमिनल गर्थ है जो वो भी ज़्यादा दिखाई देगी, और फीटल पार्ट है मतलब जो फीटल पार्ट है बहुत सारे फीटल पार्ट एक साथ हमको पाल्पेट हो सकते हैं, ठीक है। और करेंगे एजगरेशन। तो एजगरेशन में क्या करेंगे कि फीटल हार्ट साउंड हम सुनेंगे। तो फीटल हार्ट साउंड एक टाइम में अलग अलग जगह एब्डोमेन में अलग अलग साइड पे हमको फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे सकती है, और उनमें 10 बीट पर मिनट का वेरिएशन भी हमको सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद में करते हैं हम वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमने पहले किया जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर किया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिर आएगा वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में फीटस का जो हेड है वो एक फीटस का हेड हमको हो सकता है पेल्विक में फील हो, और दूसरे फीटस का हेड होगा जो अपर एब्डोमन जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हो सकता है फंडस में फील हो, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। तो यूएसजी के थ्रू क्या होता है कि हमको क्लियर दिखाई दे जाता है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है कि कैसी प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेटिव प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। तो इसमें
कैसे कहते हैं प्रेगनेंसी, कैसे मोनोजाइगोटिक है कि डाइजाइगोटिक है, यहाँ पर प्लेसेंटा की साइट क्या है, ठीक है, फीटस वायबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, प्लेसेंटा की साइट, लोकेशन, ये सब हमको डायरेक्ट उसमें पीजी के थ्रू हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी तो रेयरली किया जाता है, बट इसमें फीटस के जो बोनी पार्ट्स हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है, फीटस हेड या स्पाइन हमको दिखेगी, ठीक है। उसके बाद में बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट में क्या करते हैं, मैटरनल सीरम HCG का लेवल हम देखते हैं, ठीक है, और एल्फाफीटोप्रोटीन का लेवल देखते हैं। तो ये सब बायोकेमिकल टेस्ट में किया जाता है, तो इनका लेवल हमको बढ़ावा मिलता है, HCG और एल्फाफीटोप्रोटीन दोनों का लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ावा होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे सबसे पहले मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इसके देखते हैं। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड जो होता है उसमें मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी है तो वेट भी ज़्यादा है, तो हो सकता है यूट्रस कैपेबल नहीं हो वेट क्लियर करने में, तो मिसकैरेज हो सकता है या फिर सर्विक्स ओपन हो जाए, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से दिखाई देंगे, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे HCG के लेवल इंक्रीज होने के कारण नोजिया, वोमिटिंग ज़्यादा होना, तो ये सब सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे, ठीक है। और एनीमिया हो सकता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी में एनीमिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन दो फीटस को जाएगा, तो इस वजह से मदर में एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, फिर फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन या प्री एक्लिप्सिया भी देखने को मिलता है, और एंडीपार्टम हेमरेज हो सकता है, प्लासेंटा पीलिया और एक्लिप्सियो प्लासेंटा इसमें हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा कहीं भी इम्प्लांट हो सकती है, कहीं भी डेवलपमेंट हो सकता है प्लेसेंटा का यूट्रस में, ठीक है, और हाइड्रेशन हो सकता है, और जस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, या फिर जॉन्डिस हो सकता है, या फिर माल प्रेजेंटेशन प्री टर्म लेबर हो सकता है, या फिर मैकेनिकल डिस्ट्रेस के कारण भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे वेकोज वेन है, डिपेंडेंट इनिमा हो जाता है, या हेमरोइड्स, ये सब हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव। और उसके बाद में ड्यूरिंग लेबर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मदर के अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, इनइफेक्टिव लेबर हो सकता है, ठीक है, और कोड प्रोलेप्स हो सकता है, तो अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कारण हो सकता है कोड प्रोलेप्स हो जाए, और इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी के रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेटिव डिलीवरी के रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और PPH हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, क्योंकि लार्ज साइज का यूट्रस है, ठीक है, और हो सकता है प्लेसेंटा है वो रिटेंड रह जाए, तो इस वजह से PPH के चांसेस होते हैं। और ड्यूरिंग पर्पिटोरियम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे सब इन्फ्लेमेशन, यूट्रस इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर फेलिंग ऑफ लैक्टेशन में भी फेलिंग हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कुछ फीटल कॉम्प्लिकेशन, फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, अबॉर्शन होगा, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, दो फीटस है तो उनमें उनका न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मेनली मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में होता है, ठीक है, और कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है, और डिलीवरी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, 37 वीक से पहले हो सकती है ट्विन्स में, ठीक है, और अगर ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है तो उनमें 33 वीक से पहले प्रेगनेंट डिलीवरी को प्री टर्म डिलीवरी माना जाता है, ठीक है, और उसके बाद में ट्विन टू टीन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम TTT सिंड्रोम होता है, वो भी फीटस में हो सकता है। क्या होता है ट्विन टू टीन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रीनेटल कंडीशन होती है जिसमें जो ट्विन्स होते हैं वो अनइक्वल अमाउंट में जो प्लेसेंटा से जो
ब्लड सप्लाई हो रही है उसको लेते हैं, ठीक है, तो अनइक्वल अमाउंट में वो शेयर करते हैं उस ब्लड को, ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन्स को या फिर एम्यूटिक फ्रूट्स को अनइक्वल अमाउंट में, हो सकता है एक फिटस अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके पास अच्छा इम्यूनिटी फ्रूट भी है और दूसरे के पास कम इम्यूनिटी फ्रूट है, वहाँ पे ओलिगो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो जाएगी, और उस फिटस के पास में हो सकते हैं कम न्यूट्रिशन जा रहा, कम ब्लड सप्लाई जा रहा, तो ये होता है टीटीटी सिंड्रोम, ठीक है। इसकी आप जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी अफेक्ट होती है, अलग अलग उनकी मतलब जो ग्रोथ रेट होती है वो अब बहुत अफेक्ट होती है दोनों फिटस में, ठीक है। इसकी आप इमेज देखिए, उसके बाद में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फीटस में, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है, नियोनेटल डेथ हो सकता है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के, ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके बाद में इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं एंटीनेटल मैनेजमेंट। सबसे पहले एंटीनेटल मैनेजमेंट में क्या होगा कि यूएसजी करके जो फीटस है, जो ट्वेन प्रेगनेंसी है उसको डिटेक्ट किया जाएगा और उसका अर्ली डायग्नोसिस किया जाएगा ताकि उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है, और सक्सेसफुल डिलीवरी हो सके फीटस की, और जो प्रीटर्म लेबर या उसकी जो और भी कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए मदर को प्रॉपर रेस्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है, और जो उसके घरेलू काम है उनको अवॉइड करने का बोलना है, और उसके बाद में जो प्रेगनेंसी की डाइट है उसमें उसको भी इंक्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि दो फीटस मतलब दो से एक से ज़्यादा फीटस को सप्लाई होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी डाइट है उसको इंक्रीज करना है, 300 किलो कैलोरी उसको एक्स्ट्रा डाइटरी सप्लीमेंट्स देना है, ठीक है, और जो आयरन सप्लीमेंट है वो भी उसको देना है 60 to 100 mg पर डे तक बढ़ानी है उसकी आयरन थेरेपी, और पेशेंट की डाइट में विटामिन कैल्शियम और फोलिक एसिड भी एक्स्ट्रा देना है सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में, उसको ये सब एक्स्ट्रा देना है, और मदर फ्रिक्वेंटली टाइमिंग में बार बार अपना एंटीनेटल चेकअप करवाती रहें, इसके लिए उसको एडवाइस करना है, और एंटीनेटल में दोनों फिटस की सोनोग्राफी, उनका वायबिलिटी, उनका फुल असेसमेंट उसका होता है, ठीक है। अब हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीनेटल में हॉस्पिटलाइजेशन अगर सिर्फ बेड रेस्ट के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ बेड रेस्ट के लिए ही हॉस्पिटलाइज किया जाए, अगर और कोई उसको कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, जो ट्वेन प्रेगनेंसी है वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसमें उसके मैनेजमेंट भी उस तरह से उसको किया जाता है, तो वेल इक्विपाइड जो सेंटर्स हैं जहाँ पे पीडियाट्रिशियन ऑब्स्टेट्रिशियन इजीली अवेलेबल हो या फिर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ पे ऐसे केसेस की डिलीवरी कंडक्ट करवानी चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग लेबर फर्स्ट स्टेज जो होती है उसकी क्या केयर होगी, मदर को बेड रेस्ट देना है, ठीक है, एनिमा देना है उसको ताकि बाउल क्लियर हो सके, कैथेटर लगा देना है, ठीक है, ताकि ब्लैडर की एम्प्टी हो सके, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आईवी फ्लूड स्टार्ट करने हैं, ठीक है, और लेबर रूम में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट वो अवेलेबल होना ही चाहिए, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है, और फीटस की केयरफुल मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, और मेम्ब्रेन्स के रप्चर होने के बाद में कोड प्रोलैप्स तो नहीं हो रहे हैं उसकी अच्छे से हमको देखभाल करनी है कि कोड प्रोलैप्स की कंडीशन नहीं हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन करते रहना।
और पेन को रिलीव करने के लिए एपिडुरल एनाल्जेसिक उसको दे सकते हैं, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कम से कम एक मिनट क्रॉस मैच ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि मदर को यूथरोटॉमी पोजीशन दी जाती है, ठीक है। पेरिनियल को, पेरिनियल एरिया को स्प्रिट स्वाब से या फिर किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीन किया जाता है। उसके बाद में अगर ब्लैडर फ्रूटफुल है तो कैथेटर तो हमने पहले लगा दिया है, अगर पहले नहीं लगाया तो कैथेटर में हमको कैथेटर प्लेस करना है, ठीक है। और ब्लैडर को एम्प्टी करना है, ठीक है। उसके बाद में डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी कैसे करवानी है, तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी स्पॉन्टेनियसली हो जाए ऐसा, मतलब हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। इसलिए उसको पेरिनियल स्ट्रेचिंग हो सकती है, तो उसके लिए उसको वहाँ पे लिग्नोकेन, लोकल लिग्नोकेन जेल देके वहाँ पे एपिसियोटॉमी करनी है, ठीक है। और जो पेरिनियल टीयर है या पेरिनियल स्ट्रेचिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट बेबी की डिलीवरी कंडक्ट करने के बाद में जो नॉर्मल लेबर की गाइडलाइन है उनको ही फॉलो करना होता है, ठीक है। और ताकि उसका इजीली बर्थ हो जाए, और अगर नेसेसरी है तो जनरल एनेस्थीसिया भी उसको एडमिनिस्टर करके फोर्सेप डिलीवरी करवाई जा सकती है, ठीक है। और अगर बेबी की डिलीवरी होने के बाद में आईवी इर्गोमेट्रिन नहीं देना होता है, क्योंकि सेकेंड बेबी की अभी डिलीवर होना है तो इर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं, ठीक है। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको फर्स्ट बेबी से 8-10 सेंटीमीटर दूर उसको क्लैंप करके फिर कट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में बेबी डिलीवर होने के बाद में उसको फर्स्ट नंबर से लेबलिंग कर देना है बेबी को। उसके बाद में डिलीवरी ऑफ सेकेंड बेबी, सेकेंड बेबी की डिलीवरी कैसे करनी है, तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद में यूटेराइन रिट्रैक्शन में होने वाली प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण सेकेंड बेबी है उसमें स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो उसका हमें केयरफुली इवैल्यूएशन करते रहना है। तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद में सेकेंड बेबी की लाइफ साइज और पोजीशन, प्रेजेंटेशन क्या है, फीटल हेड की प्रेजेंटेशन क्या है, फीटल हार्ट साउंड, तो ये सब हमको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या फिर अल्ट्रासाउंड से हमको हम कंटिन्यू उसका इवैल्यूएशन करते रहना है, ठीक है। या फिर कोड वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, कोड प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यदि उसकी लाई अगर लॉन्जिट्यूडनल लाई है फिटस की, तो प्रेजेंटिंग पार्ट को ब्रीम में आने के बाद में मेम्ब्रेन्स का आर्टिफिशियल रेप्चर करना है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, ठीक है। और आर्टिफिशियल, और यदि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया है उसके बाद में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न के बाद भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में एक्स्ट्रा 5 मिनट ऑक्सीटोसिन आईवी ड्रिप में हम डाल सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली 15-20 मिनट के बाद में फर्स्ट फीटल की डिलीवरी के बाद में 15-20 मिनट के बाद सेकेंड डिलीवरी, सेकेंड बेबी का डिलीवर हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी उसमें कुछ इंटरफेयर हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, एक तो वर्टेक्स, अगर बेबी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो फोर्सेप्स डिलीवरी करवानी है, और अगर बेबी ब्रीथ प्रेजेंटेशन में है तो ब्रीथ एक्सटेंशन किया जाता है, ठीक है। और अगर यदि लाई अगर ट्रांसफर लाई है बेबी की, तो ट्रांसफर लाई है तो उसको लॉन्जिट्यूडनल लाइन में करने के लिए एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन किया जाता है। अगर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन से भी उसकी लाइन करेक्ट नहीं हो रही है, लॉन्जिट्यूडनल लाइन में नहीं आ रहा है फिटस, तो इंटरनल सिफेलिक वर्जन किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, बच्चे को पोजीशन देके उसको घुमा दिया जाता है इंटरनल में, तो वेजाइना के थ्रू उसमें यूट्रस के अंदर उसको बेबी को उसकी जो पोजीशन उसको चेंज किया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रू एब्डोमेन बेबी की पोजीशन चेंज की जाती है, ठीक है। और कोड प्रोलैप्स, फीटल डिस्ट्रेस और सीवियर एंटीपार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग, ये सब हमको अगर दिख रहा है तो बेबी को जल्दी से जल्दी डिलीवर करवाना है, ठीक है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो
का करना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बेबी वर्टेक्स, इसमें भी वही, अगर वर्टेक्स पोजीशन में है तो फोर्सेप्स डिलीवरी, और ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या करते हैं कि जो सेकेंड बेबी है उसके एंटीरियर शोल्डर के डिलीवर होने के बाद में पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए मिथार्जिन उसको देते हैं वुमेन को, ठीक है। मिथार्जिन एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि पोस्टपार्टम हेमरेज से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। और प्लेसेंटा को कंट्रोल कोर्ड अट्रैक्शन के थ्रू रिमूव किया जाता है, डिलीवर करवाया जाता है प्लेसेंटा को, ठीक है। और ब्लड लॉस है उसको रिप्लेस करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और किसी भी प्रकार का और कोई किसी भी और कोई भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनको अलग से हमको देखना चाहिए, और किसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डिलीवरी, तो अगर और भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वेजाइनल डिलीवरी अगर नहीं हो पा रही है तो सिजेरियन प्रिफर, पहले सिजेरियन ही प्रिफर किया जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हमने देखा मल्टीपल प्रेगनेंसी के, हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन देखा, इंसिडेंस कोज देखे, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स इन मदर देखा, डायग्नोसिस देखा, कॉम्प्लिकेशन देखा और मैनेजमेंट देखा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी। थैंक यू।